सुरीली और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज से पूरी दुनिया पर राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी उम्र 92 वर्ष की थी। पूरे विश्व में भारत की नाइटेंगल नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर ने 5 दशकों तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के तौर पर राज किया। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने ये जानकारी दी। वो पिछले करीब एक महीने से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। जानकारी के अनुसार सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 8 जनवरी को वो कोरोना संक्रमित हुई थी। लता मंगेशकर ने 1992 में महज 13 वर्ष की आयु में अपने स्वर्णिम करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। आपको बता दें कि जनवरी में कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें न्यूमोनिया बीमारी ने घेर लिया था। हालत में सुधार ना होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी। परंतु 5 फरवरी को उनकी हालत बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को महान गायिका ने अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन की खबर आते ही उनके चाहने वालों में दुख की लहर दौड़ गई है। अपनी चहेती गायिका के निधन से सभी का दिल टूट गया है और सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट साझा करते हुए स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दयालु और स्नेही लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं, जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में हमेशा याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने की अद्वितीय क्षमता थी। अपने लगभग 78 साल के करियर में करीब 30,000 गीतों को अपनी आवाज देने वाली लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया था। 3 बार उन्होंने राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम किया था। अपनी मधुर आवाज से लोगों को मोह लेने वाली लता मंगेशकर को प्रतिष्ठित भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आपको बताते चलें कि लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में रखा जाएगा। बीएमसी के पीआरओ तानाजी कामलेक ने बताया कि लता जी का अंतिम संस्कार भी शिवाजी पार्क स्थित शमशान में किया जाएगा।